हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल और फिलहाल देश और दुनिया का क्या हाल है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से हो चुकी है और कई सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने इसका टीका लिया है और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी और भी सारी खबरें अपडेट है। तो साथ ही साथ देश और दुनिया में ऐसी और भी कई हलचलें हैं, कई घटनाएं घटित हो रही हैं। साथ ही में टेलीकॉम की दुनिया में भी कुछ नए प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग हो रहा है, जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर दोस्तों, चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, आ गई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले बोली नर्स, थोड़ा सा डर है लेकिन डर के आगे जीत है। कामयाबी की राह पर एक और कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के तीसरे चरण ट्रायल को मंजूरी। लोगों की नाराजगी के बीच 3 महीने के लिए टली व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। आज से बदल गया कॉल करने का तरीका, अब बिना जीरो लगाए नहीं होगी बात। यश बैंक ने लॉन्च किया वेलनेस क्रेडिट कार्ड, हेल्थ चेकअप समेत मिलेगी कई सुविधाएं। सिर्फ 50,000 लगाकर हर महीने कमा सकते हैं 30,000 से 40,000 रुपए। शुरू करें ये बिजनेस। 20,000 से भी कम है इस 42 इंच वाले एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी की कीमत, खास है फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सबर के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर इसे लाइक और शेयर भी करते हैं, अपने विचार भी हमसे साझा करते हैं। इन सब चीजों के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि यही सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है बेहतरीन काम करने के लिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,738 नए मामले सामने आए, जबकि 825 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,05,27,683 हो गई। देश में अब तक 1,51,918 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,61,009 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। पीएम ने कहा, ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, कोरोना की वैक्सीन आ गई। मोदी ने कहा कि वैक्सीन बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की है। पीएम ने कहा, उन्होंने न त्योहार की चिंता की न घर छुट्टी मनाने गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर लोग अभी तक असमंजस में हैं। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को दोनों टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक फैक्ट शीट भेजी है, जिसमें वैक्सीन रोल आउट, फिजिकल स्पेसिफिकेशन, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकताओं, हल्के लक्षणों और प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी डूज और डोंट के दस्तावेज के अनुसार सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दोनों वैक्सीन देने की अनुमति है। गर्भवती महिलाओं में भी कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा पर कोई डेटा नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कई महीनों से जिस घड़ी का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो आखिर आ गई। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुभारंभ कर चुके हैं। सबसे पहले 1,60,00,000 कर्मचारी को टीका लगेगा, जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। ऐसे ही पूरी दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नर्स, जिनका नाम वैक्सीन लगवाने की लिस्ट में शामिल है, उन्होंने कहा, थोड़ा सा डर है लेकिन डर के आगे जीत है। पहले फेज में जिन 60,00,000 कर्मचारियों को टीका लगना है, उनमें हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा 4,31,241 सुरक्षा
सुरक्षा कर्मी, 1,03,66,219 सोशल मीडिया रूरल वॉरियर्स, 1,05,771 पोस्ट डिलीवरी वॉरियर्स शामिल हैं। वैक्सीनेशन अभियान के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3,006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले दिन लगभग 3,00,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन सभी सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कल से कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया। वही कोरोना की वैक्सीन बना रही एक और कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को स्पुतनिक वी के फेज 3 ट्रायल की इजाजत मिल गई। स्पुतनिक वी रूस की कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी प्रायोगिक अवस्था में है। DCGI ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति दी है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि तीसरे चरण में 1500 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया में 200 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है। इनमें से लगभग 30 कंपनियां भारत की है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूके में पाए गए कोरोना स्ट्रेन के कारण वहां के कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ब्राजील में भी कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ऐसे में यूके की सरकार ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी, इसलिए यूके में सोमवार से सभी प्रकार के ट्रैवल कॉरिडोर बंद किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की अपरिचित नई स्ट्रेन के खतरे से बचने के लिए यह फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी बाहरी देश की फ्लाइट को यूके में प्रवेश करने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही उसे यूके में एंट्री मिलेगी। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने का कोई आसार नहीं, बल्कि ठंड का कहर और बढ़ सकता है। IMD ने बताया कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा -7.8 डिग्री तक पहुँच गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WhatsApp टर्म एंड कंडीशंस को लेकर लोगों की बढ़ी नाराजगी के बीच Facebook के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप ने घोषणा की है कि उसने प्राइवेसी अपडेट करने का अपना प्लान 3 महीने के लिए टाल दिया। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स में भ्रम है, इसलिए 3 महीने का समय देने से यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। कंपनी ने अपने बयान में कहा, 8 फरवरी को किसी को भी WhatsApp अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं करना होगा। WhatsApp पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। 15 मई को नया अपडेट ऑप्शन उपलब्ध होने से हम अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों का भ्रम दूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निजी क्षेत्र के यश बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नया यश बैंक वेलनेस और यश बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसके लिए बैंक ने आदित्य बिड़ला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। बैंक ने बयान में बताया कि इस कार्ड का लक्ष्य ग्राहकों की बेहतर सेहत और उसकी देखभाल है। बैंक ने एक बयान में कहा, इस कार्ड का उद्देश्य ग्राहकों की बेहतर सेहत और उसकी देखभाल है। वेलनेस कार्ड से यश बैंक ग्राहक हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेशन समेत कई लाभ उठा सकते हैं। इस कार्ड को ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ग्राहक आदित्य बिड़ला मल्टीपल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके सालाना हेल्थ चेकअप, राउंड द क्लॉक डॉक्टर या काउंसलर हेल्पलाइन, होम बेस्ड वर्कआउट सेशन, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान का लाभ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्ट टीवी को लेकर लोगों में बढ़ते क्रेज को देखते हुए टीवी बनाने वाली कंपनियां एक से बढ़कर एक फीचर्स वाली सस्ती कीमत में टीवी पेश कर रही है। इसी बीच पॉपुलर कंपनी थॉमसन ने भी भारत में 2 स्मार्ट टीवी 42 इंच और 43 इंच लॉन्च कर दिया है, जो कि थॉमसन 5 सीरीज का हिस्सा है। कंपनी ने अपनी इस खास एंड्रॉइड टीवी सीरीज में 42 इंच के थॉमसन पाथ 2121 एंड्रॉइड टीवी की कीमत 19,999 रुपए है और 43 इंच के थॉमसन पाथ 0009BL एंड्रॉइड टीवी को 22,499 रुपए में लॉन्च किया गया है। थॉमसन ने इन दोनों स्मार्ट टीवी में 1GB रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज दी है। थॉमसन ने इन टीवी की खास बात यह है कि ये क्रोमकास्ट यानी एंड्रॉइड और एयरप्ले iOS सपोर्ट के साथ आती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
देश में आज से भी सभी लैंडलाइन यूजर्स को मोबाइल फोन पर कॉल करने से पहले 0 लगाकर डायल करना होगा। टेलीकॉम विभाग ने इस बारे में एक निर्देश जारी कर दिया है। पिछले साल ही नवंबर महीने में इसे लेकर एक नया नियम बनाया गया था, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। टेलीकॉम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर डायल करने से पहले 0 लगाना होगा। सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने इस बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को जानकारी देना भी शुरू कर दिया, जिसमें बताया गया कि 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। इसी सर्कुलर में ये भी बताया गया कि इस कदम से 2539 मिलियन नंबरिंग सीरीज जनरेट करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन चैनल पर अपडेट्स लगातार आती रहेंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और फिर आप तक लगातार नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और एंड तक देखा है तो हर एक खबर के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।